गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। इस कहानी का ठिकाना अंग्रेजों के समय का इलाहाबाद रहा है। कहानी के तीन मुख्य पात्र हैं चंदर, सुधा और पम्मी। पूरी कहानी मुख्यतः इन तीन पात्रों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। चंदर सुधा के पिता यानी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के प्रिय छात्रों में है और प्रोफेसर भी उसे पुत्र तुल्य मानते हैं। इसी कारण चंदर का सुधा के यहाँ बिना किसी रोक टोक के आना जाना लगा रहता है। धीरे धीरे सुधा कब दिल दे बैठती है यह दोनों को पता नहीं चलता, लेकिन यह कोई सामान्य प्रेम नहीं था, यह भक्ति पर आधारित प्रेम था। चंदर सुधा का देवता था और सुधा ने हमेशा एक भक्त की तरह ही उसे सम्मान दिया था। चंदर सुधा से प्रेम तो करता है, लेकिन सुधा के पापा के उस पर किए गए एहसान और व्यक्तित्व पर हावी उसके आदर से कुछ ऐसा ताना बाना बुनते हैं कि वह चाहते हुए भी कभी अपने मन की बात सुधा से नहीं कह पाता। सुधा की नज़रों में वह देवता बने रहना चाहता है और होता भी यही है। सुधा से उसका नाता वैसा ही है जैसा एक देवता और भक्त का होता है। प्रेम को लेकर चंदर का द्वंद्व उपन्यास के ज़्यादातर हिस्से में बना रहता है। नतीजा यह होता है कि सुधा की शादी कहीं और हो जाती है और अंत में उसे दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। और इसी कहानी को अधिक जानने के लिए आप हमारे चैनल सीक्रेट मोटिवेशनल जैसे और सक्सेस बुक्स को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसी रोचक कहानियाँ सुनते रहें। और इसमें आगे क्या होता है यह जानने के लिए आपको पूरी बुक पढ़ना होगी और यह हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं सक्सेस बुक्स चैनल पर, इसलिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।